बी फिजिकल फिट, नेशन नीड्स इट। नेशन की चार टीमें मैंने इस जगह पर ट्रेन की है। वर्ल्ड कप है बॉम्बे, एशियन गेम्स है 82-84 का गोल्ड मेडल ओलंपिक का। आपको मिलाते हैं कराची की तारीख के सबसे पहले फिजिकल फिटनेस स्कूल के सबसे पहले ट्रेनर मोहम्मद तालिब साहब से, जिन्होंने अपनी 50 साल करियर में बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारी टीम्स को ट्रेन किया और अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बहुत सारे नशेबो फराज देखे। आए इनसे बात करते हैं। हमने तो हर आदमी कहता है मैंने बचपन से आगाज़ किया एथलेटिक का, मैंने भी बचपन से आगाज़ किया। मैंने मिस फातिमा जिना से बेस्ट एथलीट होने का प्राइज़ हासिल किया। ये मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने एक लीडर की बहन से एक प्राइज़ हासिल किया। मेरा कैरियर एथलेटिक का है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जर्मन का स्कॉलरशिप अता किया। जर्मन की मेहरबानियों से मैंने 16 महीने का कोर्स माइंस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। 14 कंट्रियाँ मौजूद थी हिस्सा लेने वालों में, और मैंने हाई क्लास जो ज़रा गुड क्लास कहलाती है जर्मन, उसे पास किया। जब मैं एथलीट था, रोज़ अखबार में देखता था कि यहाँ बाहर से जो कोचेज़ आते हैं वो उनका स्टेटमेंट एक ही होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर कमी है तो फिज़िकल फिटनेस की। वो बात मुझे स्ट्राइक करती थी, और जब मैं इस काबिल हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं जो जर्मनी से पढ़ के आया, इससे पहले भी मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। नेशन की चार टीमें मैंने इस जगह पर ट्रेन की। हॉकी के 10 साल हॉकी के साथ काम किया, और उसी वक्त दुनिया के सारे अज़ाद हॉकी के पास हैं। वर्ल्ड कप है बॉम्बे, एशियन गेम्स है 82-84 का गोल्ड मेडल ओलंपिक का, और जूनियर का वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल 1988। वो दौर पाकिस्तान का जरी दौर कहलाता है हॉकी में। मैंने हॉकी को फ्री सर्विस दी, अपना नेशन समझ के कि मेरी नेशन का नाम हो। और मैं जब फ्री ट्रेनिंग देता था, मैं अंदर से मुझे रूहानी खुशी होती थी। इसके बाद मैं चला गया बॉक्सिंग के साथ। बॉक्सिंग में एशियन 5 गोल्ड मेडल जीते, सेफ गेम में एक दफ़ा 8 गोल्ड, 2004 में 10-10 गोल्ड मेडल, ये बॉक्सिंग के रिजल्ट्स हैं। क्रिकेट के साथ मैंने ज़्यादा काम किया, वीमेंस के साथ, और उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया और एकेडमी में मुझे रखा, और मैंने बच्चियों के साथ काम किया और बच्चियों ने अच्छे रिजल्ट दिए। एक बच्ची जब भी पाकिस्तान में है, आशा ज़फ़र, वो भी मेरे स्कूल में आके फिटनेस करती है। उसकी दो बहनें हैं जो पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन रही हैं स्क्वैश में, अमन ज़फ़र और फौजिया ज़फ़र, वो दोनों बहनें वो भी मेरे यहाँ आती हैं स्क्वैश में। इस तरह मैंने स्क्वैश की भी खिदमत की। फुटबॉल में मैंने KPT का मैं ट्रेनर रहा हूँ, 2 दफ़े उनको नेशनल चैम्पियन मैंने बनवाया, और मेरे यहाँ के यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे से ना नहीं होती, जो भी आता है आओ। फौज में 2 कर्नल मेरे से स्कूल के निकले हुए बच्चे हैं, जिन्होंने मेरे यहाँ के यहाँ पर अपनी फिटनेस की और टेस्ट दिए और पास हुए। आज भी एक बच्चा है आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। 8 बच्चे अभी 2 साल हुए पुलिस में गए, सब पास हुए, अपने फिजिकल फिटनेस उनकी अच्छी थी, और अभी आपने देखा बच्चे आ रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं अब पुलिस में जाने के लिए। तो ये मेरा शौक़ है कि अपनी कौम को, अपने बच्चों को मैं फिट देखूँ। मैंने आज तक कोई फीस नहीं ली, और मुझे ये फ़ख्र है, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इससे भी आगे अगर मैं काम करने जा रहा हूँ। अब मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा जो यतीम है, जो यतीम खाने में पल रहे हैं। अब तक के 4,500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करके जा चुके हैं। एक लड़का आप लोग जेवलिन जीत के आया, कितना शोर, यानी पब्लिक चाहती है, पब्लिक शौकीन है। अर्शद नदीम को कितनों ने देखा, वो वेट लिफ्टर को हमारे कितनों ने देखा, हर आदमी टीवी के सामने उसकी प्रोडक्ट देखने के लिए मौजूद था, वो नहीं है। हमारी फेडरेशंस को, हमारे कर्ता धर्ताओं को वापस उस शौक़ से बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उनको सपोर्ट करना है जो
72, 73, 74, 75, 76 हमें वहाँ आना पड़ेगा।